हेलो गाइस दोस्तों, हम बात करेंगे सलमान खान की आज रिलीज हुई किसी का भाई किसी की जान मूवी रिव्यू करेंगे। ठीक है, उसमें मैंने रिव्यू पहले दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक रिव्यू दिया है, वो आप ज़रूर देखें। और हम बात करेंगे आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और चेंगेज़ मूवी कैसी है कैसी नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो चेंगेज़ मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी है, ठीक है, और जहाँ तक है या फिर रिव्यू आ रहा है उसके, मैं उसके बारे में बात करूँगा। और चेंगेज मूवी मैं कल जाऊंगा देखने, वो कल हम बात करेंगे उस पर। और फिर भी मैं बताऊंगा कि क्या इन दोनों में टक्कर हुई और कौन जीता कौन हारा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सलमान खान की मूवी मैंने देखी आज, ठीक है, सलमान एज ए सलमान खान फ़ैन तो मूवी मुझे अच्छी लगी, ठीक है। मगर जो सलमान खान के फ़ैन हैं या ना भी हैं, मतलब जो नहीं हैं, उनको मूवी पसंद नहीं आ रही है। जैसे रिव्यू निकल के आ रहे हैं ना, ज़्यादातर रिव्यू हैं वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मतलब नेगेटिव में है। पूरे जो भी आ रहे हैं रिव्यू नेगेटिव है, मतलब जो पॉजिटिव रिव्यू आने चाहिए थे इस मूवी के वो नहीं है इसके। मतलब सलमान खान का जो कहते हैं ना हम, सलमान खान का ये कलेक्शन आएगा वो कलेक्शन आएगा, मतलब इतना नाम क्रिएट कर दिया है, मतलब बहुत बड़ा नाम, मतलब कलेक्शन देखते हैं तो जीरो कलेक्शन, मतलब सलमान खान के हिसाब से जो मैं कलेक्शन आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम कम है। ठीक है, रणबीर कपूर इन लोग के ऐसे कलेक्शन आते हैं तो बात करेंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो दोस्तों, मैंने देखी है मूवी तो मुझे ठीक ठाक लगी एज ए सलमान खान फैन, बहुत ही अच्छी, मतलब ठीक ठाक है, मतलब इतनी आप एक्सपेक्टेशन नहीं लेके जाओ कि ये मूवी बहुत अच्छी है, ठीक है, इतनी अच्छी भी नहीं है तो इतनी वो बेकार भी नहीं है सलमान खान फैन के लिए। ठीक है, दूसरी बात कि ये मूवी आज कितना कलेक्शन कर सकती है, और बात करें हम इसकी जो एडवांस बुकिंग है, ठीक है, एडवांस बुकिंग हमने देख आपको बताया मैंने 3.5 करोड़ इसकी एडवांस बुकिंग रही थी। ठीक है, उसके हिसाब से जो करंट सिनेरियो यहाँ से हम देख सकते हैं, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि कितना आ सकता है, मतलब 3.5 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग, ठीक है, और जो वॉकिंग ऑडियंस जाएगी देखने उसके हिसाब से जो इसके जो नेगेटिव रिव्यू हैं, ठीक है, उसके हिसाब से मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि 13 से 14 करोड़ ये कमा सकती है आज के दिन। पहला दिन इसका 13 से 14 करोड़, मतलब 14वीं और 13वीं, मतलब 13 से 14 करोड़ इसका कलेक्शन आ सकता है अपने पहले दिन में। और उसके हिसाब से मूवी का कलेक्शन एकदम लो है, मतलब ये मूवी का जो हम सोच रहे थे 17 से 18 करोड़, ठीक है, पहला दिन सलमान खान की मूवी, उसके हिसाब से मूवी का कलेक्शन बिल्कुल कम, मतलब 13 से 14 करोड़ आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात करूँ, सलमान खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, ये रीज़न ये है कि ये जो है ना अपनी रिश्तेदारी निभाते हैं बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी निभाते हैं, तो इनको पता नहीं होता है कौन सा एक्टर लेना है फिल्म में कौन सा नहीं, हर किसी को ले लेते हैं, इसकी वजह से पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है फिल्म में क्या नहीं हो रहा है। डायरेक्टर जो है फरहाद सामजी, ठीक है, उनकी फिल्में आपने देखी होगी, एकदम मतलब ऐसी बनाते हैं, मतलब देखो आपने इस मूवी के अंदर देखा कुछ, इसी की मूवी के अंदर देखो साउथ वाला एक डाला है और एक नॉर्थ वाला डाला है। ठीक है, नॉर्थ में क्या कर दिया है कि जो बिल्डर है दिल्ली का, साउथ वाला वहाँ पे लड़ने आएगा, मतलब क्या सिनेरियो दिखाया है फिल्म के अंदर, मतलब पब्लिक को हजम नहीं होगा ये, आप ये सीन देखेंगे तो। पहले मैंने बताया आपको ये अच्छा नहीं है बताने के लिए, फिर मैं बता रहा हूँ। तो दूसरी बात, ये जो सब भरे हुए हैं इसके अंदर एक्टर, मतलब कोई ऐसा नहीं है मतलब कि इनकी बेहतरीन एक्टिंग कर सके, मतलब यार हर किसी को ले लेते हैं जो जान पहचान का है, आओ भाई फिल्म बनाओ, देख समझ रहे हैं सलमान खान की मैं बहुत बड़ा, मतलब जो आज से 4 साल पहले फिल्म वाले देखने वाले थे ना, उनका जो दिमाग है ना कोरोना के बाद बहुत चेंज हो गया है, मतलब आप जो YouTube में आप वीडियो देखते हैं सब साउथ वाली जितनी बेहतरीन जो कंटेंट हैं सब देख ली हैं, उसके हिसाब से अब ये जो मूवी बना रहे हैं उनको पहली देखी हुई है मूवी, तो अब क्या देखेंगे ये लोग, जाके देखेंगे थिएटर में नहीं देखेंगे ना, वो ही है। अब ये जो मूवी बनाई है वीरन का रीमेक है और ये सब ने देख ली है मूवी, तो कौन खर्चा करेगा इतना पैसा, 1000 या 500, ऐसे तो कोई नहीं देखेगा। तो यही है कि सलमान खान चाहते हैं, मतलब सोचते हैं कि भाई मेरी ऑडियंस आ जाएगी ईद वाले दिन, ठीक है,
ईद वाले दिन भी ऐसे ही होने वाला है, मतलब इतना हाइप नहीं होगा जैसे कि 30-40 करोड़ का ईद वाले दिन इनका कलेक्शन लगता था। उसके हिसाब से कल भी 18 से 19 करोड़ कमा सकती है, इससे ज़्यादा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, बस यही था कि सलमान खान को अगर अच्छा कमबैक करना है, अभी 3-3.5 साल बाद तो आए अब, ठीक है, तो सोचना चाहिए मैं कौन सी मूवी लेके आ रहा हूँ, क्या करना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं सोच रहे थे। मैं अपने आप को देखते हैं भाई, हाँ मैं सलमान खान हूँ, वो पहली वाली बातें नहीं रही। ठीक है, अब जो ऑडियंस है जाग चुकी है, अब वो समझती है मुझे कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी मूवी नहीं देखनी है। ठीक है, तो उनके हिसाब से अभी स्टार नहीं चल रहा, अभी स्टार की जगह आ गया है कॉन्टेंट, मतलब आपका कॉन्टेंट वो अच्छा होगा, स्टार कोई भी हो मूवी चलेगी। ठीक है, तो यही चल रहा है आज, इसने जो मूवी है ना आज, इसको मूवी देख के पता चल गया है कि भाई स्टार कुछ नहीं होता, अब सिर्फ है कंटेंट। अगर आपकी मूवी में दम है, एक्टर कोई भी हो मूवी चल जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात करें चेंगेज मूवी का, जो रिव्यू है बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो ये भाई कमाल हो गया कि मूवी ये कहीं ना कहीं अपना कलेक्शन रिकवर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, चेंगेज मूवी, अब जो ऑडियंस है ना ये मूवी छोड़ के सीधा चेंगेज मूवी को देखेगी, तो इस मूवी को फ़ायदा मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था कहीं ना कहीं ये मूवी भारी पड़ जाएगी, और वो ही होते नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी बात करेंगे हम कल ये मूवी देख के, मैं सब कुछ बताऊंगा कैसी लगी मुझे कैसी नहीं, मगर यहाँ पे मैं जब वो देख के मैं बता सकता हूँ कि चेंगेज मूवी को फ़ायदा होने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हिंदी ऑडियंस अब सिर्फ इसको छोड़ के अब सिर्फ चेंगेज मूवी देखेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।